एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर बहुत से हंस रहा करते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था। उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का कोई जवाब नहीं था। सब उसका आदर करते और ताव कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते देखा। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो इस बेल को नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस बोला, ताऊ यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जा सकती है? सयाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, लेकिन धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेट लेगी और फिर यह बेल का तना इतना मोटा हो जाएगा जिससे पेड़ से चिपक कर ये ऊपर तक चढ़ती चली जाएगी और सीढ़ी की तरह बन जाएगी, जिससे कि कोई भी शिकारी इस बेल रूपी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर ऊपर तक चढ़ जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन ना आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बन जाएगी? कुछ हंस बोले, ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल से को खींचकर इतना लंबा कर रहा है। किसी ने कहा, यह ताऊ अपनी अक्ल का रोब डालने के लिए अर्थहीन कहानी गढ़ रहा है। इस प्रकार किसी भी हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी? समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना नीचे इतना मोटा हो गया और सचमुच में पेड़ के तने पर सीढ़ी जैसी बेल लिपटती चली गई, जिस पर कि कोई भी बड़ी आसानी से उस पर चढ़ करके ऊपर तक पहुंच सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई नजर आने लगी और अब कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल का तना इतना मजबूत और मोटा हो चुका था कि उसको नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ गया। उसने देखा पेड़ पर सीढ़ी नुमा बेल लिपटी हुई है। तुरंत वो उस पेड़ पर चढ़ गया बेल के सहारे और सारे के सारे पेड़ के ऊपर जाल बिछा दिया। जब सांझ को सारे हंस लौट कर आए पेड़ पर बैठे, तो बुरी तरह उस जाल में फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट एक किनारे चुपचाप बैठा हुआ था, मगर वो भी कुछ नहीं कर सकता था, सब फंस चुके थे। तब एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो, हमें बचा लो, कुछ उपाय बताओ, हम कैसे इस जाल से छूटे? दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तो तू ही बता सकता है ताऊ, आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे, इस बार हमको बचा लो। सही तो है, हम लोग भी तो अपनी ज़िंदगी में अपने बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानते हैं, और जब कभी मुसीबत में फंसते हैं तो यही कहते हैं कि बचा लो, इस बार बचा लो, आगे से हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर उनकी बातों का अनदेखा करते हैं और फिर हम उसी तरह से दोबारा फिर फंसते हैं और फिर उनसे मदद मांगते हैं।
आगे कहानी पर आते हैं। सभी हंसों ने हामी भरी, तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर एक एक करके जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे हुए का नाटक करते रहना, और अंतिम हंस के निकल जाने पर मेरा इशारा पाते ही सब एक साथ वहां से उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया, ताऊ ने जैसा समझाया था सब के सब एक एक करके निकालते गया और नीचे रखता गया बहेलिया। सबने मुर्दा होने का नाटक कर रखा था। जैसे ही आखिरी हंस को भी निकाला और बाहर रखा, बूढ़े और बुजुर्ग हंस ने तुरंत इशारा किया और सारे के सारे हंस एक साथ वहां से उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। बुजुर्गों की सोच और दूरदृष्टि अनुभव वाली होती है, हमेशा उनके कहे का अनुसरण हमको भविष्य की समस्याओं से सुरक्षित रखता है। हमें हमेशा बुजुर्गों की दूरदृष्टि पर विश्वास करना चाहिए, भले ही उस समय हमको लगे कि ये कुछ गलत कह रहे हैं। उस समय के लिए जरूर वो गलत लग रहा होगा, लेकिन भविष्य में वही चीज़ हमारे को फायदा पहुंचाती है। इसलिए हम अपने आने वाली पीढ़ियों को यही सलाह देंगे कि अपने बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का कहना मानो, ताकि वो हमें अच्छी सलाह दे सकें, अच्छे संस्कार दे सकें। भविष्य में यही तो हमारे काम आएगा। तो भाइयों, और अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद दोस्तों।